जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की न्यू भर्ती 2022 के बारे में। तो आप सभी को पता है सिविल पुलिस के 26,210 और यहाँ पे जो फायरमैन के 172 पदों पर आपकी नई भर्ती की जानी है, और इसकी निविदाएं जो जारी की गई थी, जो टेंडर जारी किया गया था, टेंडर के बारे में 17/2022 को अंतिम जानकारी दी गई थी। उसके बाद कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। तो आप सभी के कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहे थे और मैसेज भी आ रहे थे कि इसका टेंडर कौन सी कंपनी को मिला है, टेंडर मिला भी या नहीं मिला। तो फाइनली इन सभी सवालों के जवाब आपके सामने हैं, और मैं आप सभी को इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कौन सी कंपनी को टेंडर मिला, मिला भी या नहीं मिला, आगे कब तक टेंडर मिल सकता है और कब तक इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप सभी को आपके सवालों के जवाब मिल पाएं, क्योंकि ये वीडियो एकदम रियल, ऑथेंटिक और ऑफिशियल होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आने वाली हर एक अपडेट रेगुलर आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। यहाँ पे आप सभी को बता दें कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को यहाँ पे मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेस्ट बुक बता देता हूँ, जो कि आपकी चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक यहाँ पे आप सभी को मिलती है, जो कि कंप्लीट स्टडी गाइड है। तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं और अपनी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप सभी को लिंक दिया गया है, इसे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आप सभी परचेज कर सकते हैं। साथ ही में इनकी प्रैक्टिस सेट और सॉल्ट पेपर भी आते हैं, उसे भी आप परचेज कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अभी हम आ चुके हैं यूपी प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूचना विज्ञप्ति जो कि 4/3/2022 को जारी की गई है। हालांकि इसमें थोड़ी सी आपको गलती दिखेगी, ऊपर जो आपको लिखा दिख रहा है आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,120 जबकि 26,210 है, तो एक दो की जगह रिप्लेस हो जाएगा, आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर देना है। और फायरमैन के 172 पदों की सीधी भर्ती भरे जाने हेतु ओपन टेंडर के माध्यम से आमंत्रित निविदा के संबंध में सूचना, तो बात वही है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी एरर हो गया है, मतलब गलती हो गई है, भाई कोई भी इंसान नहीं किया होगा, गलती हो गई होगी। तो इसके बाद अगर हम बात करें तो इसे ओपन कर लेते हैं और आप सभी को बता देते हैं कि फिलहाल की स्थिति क्या है और किसे क्या हुआ है, कौन सी कंपनी को मिला भी है या नहीं मिला। चलिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे आप सभी के सामने ये नोटिफिकेशन है, ये नोटिस है जो कि दिनांक 4/3/2022 को जारी किया गया है। विज्ञप्ति यहाँ पे जैसा कि ऊपर वाला मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो नीचे आप सभी देखेंगे कि ये नीचे आप सभी को बताया गया है कि निविदाएं 22/2/2022 को प्रातः 10 बजे से अपराह्न 14 बजे तक मध्य भर्ती बोर्ड में निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। बट यहाँ पे जो अभी सबसे बड़ी समस्या आई है वो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि यहाँ पे आप देखेंगे आरक्षी नागरिक पुलिस इसे छोड़ दें, भरे जाने के लिए कार्यदायी संस्था के चयन हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए गए उपरोक्त RFQ के संबंध में मात्र एक कार्यदायी संस्था द्वारा अपनी निविदा प्रस्तुत की गई। मात्र एक कार्यदायी संस्था की निविदा प्रस्तुत प्राप्त होने के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा पूर्व निर्गत RFQ संख्या को निरस्त कर पुनः RFQ संख्या PRPV दिनांकित 4/3/2022 निर्गत करते हुए कार्यदायी संस्थाओं को अपनी निविदाएं प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 15/3/2022 को समय प्रातः 10 बजे से अपराह्न 14 बजे तक मध्य की तिथि निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे आप सभी को बता दें कि ओपन टेंडर का सीधा सा फंडा ये है कि यहाँ पे कोई भी आता और कोई भी टेंडर भर सकता था, लेकिन इसमें दिक्कत ये हुई कि भर्ती बोर्ड के लिए इस भर्ती को करवाने के लिए केवल ही एक संस्था यानी एक एजेंसी ने अप्लाई किया, और इसी की वजह से भर्ती बोर्ड ने इसे रद्द करते हुए, निरस्त करते हुए दोबारा से इसकी जो निविदाएं हैं उसके लिए दोबारा से जो सूचना है वो पूरी तरह जारी कर दी है। यानी जो प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी स्टार्टिंग में, अब ये पूरी प्रक्रिया फिर उसी जगह से दोबारा से स्टार्ट हो गई है जो शुरू से चल रहा था। इसकी डेट एक्सटेंड हो रही थी, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। अब सिंपल सा ये है कि दोबारा से एक नई फ्रेश यहां पे दोबारा से इसके लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं। जो अभी तक हुआ वो पूरा काम खत्म और नया काम यहां से अब शुरू हो जाता है, जिसकी जो अंतिम तिथि दी गई है वो 15 मार्च 2022 बताई जा रही है। 15 मार्च 2022 तक इसके लिए निविदाएं जारी की प्रस्तुत करनी होंगी। इसी के बीच में अगर एक से अधिक एजेंसियां इसके लिए टेंडर भरती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भरती हैं तो इसकी डेट फिर से एक्सटेंड कर दी जाएगी। ये तो तय है कि अगर कोई भी एजेंसी नहीं भरेगी तो टेंडर आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा इसकी डेट। और इस बीच में आप देखते हैं कि होने वाला क्या है,
आई होप जल्दी से जल्दी इसके लिए कोई एजेंसी हायर कर ली जाए, क्योंकि आपको इसके लिए नहीं सोचना है, क्योंकि अगर इसका टेंडर किसी भी एजेंसी को दे दिया गया तो उसके तुरंत बाद इसका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन रिलीज होने के लिए कोई लंबा चौड़ा समय यहाँ पे नहीं लगना है, सिर्फ समय लगना है तो वो एजेंसी को हायर करने में और उसकी जो 2-4-6 दिन की जो फॉर्मेलिटीज होंगी उसे पूरा करने में समय लगेगा, नोटिफिकेशन उसके तुरंत बाद रिलीज कर दिया जाएगा। आई होप आप सभी को इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन दूं आपको किसी ना किसी बेस पे और किसी ना किसी प्रूफ के साथ दूं। मुझे पता ही नहीं था कि टेंडर किसी को मिला या नहीं मिला है, इसके बारे में कौन सी अपडेट आगे बढ़ी, इसीलिए मैंने इसके बारे में कोई वीडियो बनाना सही नहीं समझा, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ भी हो सकता है, और जब तक कोई इन्फॉर्मेशन ना आ जाए तो उसका कोई सेंस बनता नहीं है कि आप सभी को जानकारी दी जाए। लेकिन इस वीडियो में आई होप आप सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो दोबारा से फ्रेश जो आपकी निविदाएं हैं, जो टेंडर है वो जारी किया गया है, आई होप जल्दी से जल्दी ये निविदाएं जो जारी की गई हैं इसके लिए कोई टेंडर किसी न किसी एजेंसी को दे दिया जाए। सभी लोग अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए बिना किसी टेंशन के, क्योंकि बहुत ही जल्दी इसका नोटिफिकेशन भी रिलीज हो जाएगा, क्योंकि भर्तियां जब भी कोई भर्ती आती है तो दिन देरी तो होती रहती है, बाकी की कुछ भी चीजें चेंज नहीं होनी, कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा आगे होने से, बस थोड़ा सा आपका टाइम डिले हो रहा है, आपकी तैयारी स्टार्ट हो जाती, बस ये अच्छी बात होती, बट फिलहाल कुछ किया नहीं जा सकता। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।